दिस इज 92.7 बिग एफएम। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपके असीम प्यार और मान सम्मान से इस शो ने 3 साल पूरे कर लिए हैं। ये प्रोग्राम इंटरेस्टिंग बना रहे इसकी कोशिश सदैव करते रहते हैं, समय समय पर नए नए बदलाव करते हैं। उम्मीद है हमारा ये बदलाव, ये चेंज, ये प्रयास आपको पसंद आएगा। आज फिर कुछ नए अफसानों और तरानों के साथ मैं अनु कपूर स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आज जो अफसाने आपके लिए लाया हूं वो कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले शाहरुख खान गौरी की पहली मुलाकात कैसे बदली दोस्ती में, फ्रेंडशिप कैसे हुई, ये जानेंगे आज। गुरुदत्त ने अपने क्रोधित पिता को शांत कर दिया किस तरह से। फिर होगा सेगमेंट हमारा तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल ने फिर याद किया। आज याद करेंगे एक ऐसे हीरो को जिसने अपने करियर के पीक पर ले लिया फिल्मों से संन्यास। अंदाजा तो लगा लिया होगा आपने। सुहाना सफर विद अनु कपूर रिश्ता पक्का है, जिसमें आज बताएंगे क्या है फैमिली कनेक्शन बिटवीन काजोल एंड देवेन वर्मा। और अंत में दिल्ली एनसीआर से सविता भाभी के बिहाफ पर उनके देवर रसिक बिहारी का प्रश्न, यही लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं सच में। सविता भाभी के बिहाफ पर उनके देवर रसिक बिहारी का प्रश्न। अब ये जो भी है प्रश्न पूछा है, जवाब तो देना पड़ेगा। तो मेहरबान दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज के सफर की और सुनते हैं ये पहला गीत। बात 1984 की है, तब की, जब शाहरुख खान पतले दुबले से हुआ करते थे और थिएटर में काम करते थे। उन्हीं दिनों शाहरुख ने एक पार्टी में एक लड़की को देखा, गौरी, और वो एक लड़के के साथ डांस कर रही थी। खुले बाल, लहराती हुई काली काली घनेरी जुल्फों में गौरी बहुत खूबसूरत दिख रही थी। पहली ही नजर में गौरी ने शाहरुख खान के दिल पर दस्तक दे दी थी, मगर शर्मीले स्वभाव के शाहरुख खान काफी देर तक गौरी से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। काफी देर के बाद आखिर जैसे तैसे शाहरुख खान ने हिम्मत जुटाई और गौरी को डांस करने के लिए अपने साथ पूछ ही डाला। सुना गौरी ने, बड़े शांत भाव से शाहरुख से कहा, मैं अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही हूं, सॉरी। हाय, दिल तोड़ दिया, शाहरुख खान निराश हो गया, पार्टी खत्म हो गई। मगर गौरी को शाहरुख अपने दिल से नहीं निकाल पाए। उन्होंने गौरी के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी शुरू की तो पता चला कि पार्टी में वो जिसके साथ डांस कर रही थी वो उसका कोई बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड नहीं था, भाई था उसका। वो तो उसने शाहरुख खान से पीछा छुड़ाने के लिए झूठ बोल दिया था। आहा, ये समाचार नहीं गुड न्यूज थी, शाहरुख खान का दिल बल्लियों उछल गया। एक इंटरव्यू में शाहरुख खान ने यह कहा कि इसके बाद उन्होंने किसी तरह जुगाड़ करके, हिंदुस्तानियों की तो कैफियत जुगाड़ की होती है, और अगर ये जुगाड़ किसी महबूबा के लिए जो दिल में उतर गई हो करना पड़े तो हम हिंदुस्तानी इस मामले में किसी से पीछे नहीं रहते। तो उन्होंने किसी तरह जुगाड़ करके गौरी का नंबर हासिल किया, गौरी से फोन पर बात की और कहा, देखो यार, मुझे भी अपना भाई समझो। ये सुनकर गौरी हंसती चली गई और इसके बाद से बन गए दोनों दोस्त, और बस दोस्ती दोस्ती में गौरी शाहरुख खान के चक्कर में फंसती चली गई। बात तब की है जब गुरुदत्त करीब 15 साल के थे, परिवार के साथ ही रहा करते थे। पिता शिवशंकर राव पादुकोण हेडमास्टर थे, मां श्रीमती वसंती पादुकोण घर संभालने के साथ साथ टीचिंग और पार्ट टाइम राइटिंग भी किया करती थी। गुरुदत्त का बचपन कुछ खुशगवार नहीं रहा, कारण उनके माता पिता के बीच के झगड़े।
उन्होंने बचपन से ही पिता को आए दिन मां से बात बात पर झगड़ा करते देखा था। ऐसी ही एक घटना को याद करते हुए गुरुदत्त के छोटे भाई देवीदत्त बताते हैं कि माताजी वसंती सारस्वत ब्राह्मण संप्रदाय में मौजूद उन चंद महिलाओं में से थीं जिन्होंने मैट्रिक पास किया था। तो इस उपलब्धि पर उनके संप्रदाय ने श्रीमती वसंती को सम्मानित करने का निर्णय लिया। जब वसंती को निमंत्रण मिला इस फेलिसिटेशन का तो घर में सभी बड़े खुश हुए, मगर गुरुदत्त के पिता शिवशंकर इस बात से बहुत गुस्सा हो गए। क्यों? कि इनविटेशन फंक्शन का उन्हें क्यों नहीं भेजा गया। वसंती अपने बेटे गुरुदत्त और आत्माराम के साथ सम्मान समारोह में पहुंची, जहां गिफ्ट में उन्हें पार्कर का पेन देकर सम्मानित किया गया। खुशी खुशी जब वो दोनों बच्चों के साथ घर पहुंची तो पति शिवशंकर गुस्से से भरे बैठे थे। उन्होंने पत्नी से कहा, मुझे उन्होंने नहीं बुलाकर अपमान किया है मेरा, लानत है ऐसे सम्मान पर। यह कहते हुए उन्होंने अपने पत्नी के हाथ से पेन छीन लिया। वो गुस्से में उस पेन को खिड़की से बाहर फेंकने ही वाले थे कि अचानक बालक गुरुदत्त ने हिम्मत जुटाकर पिता का हाथ पकड़ लिया। यूं अचानक पहली बार जवान बेटे द्वारा हाथ पकड़ने पर पिता सकपका गए और उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कोई गलती कर दी है। गुस्सा शांत होने पर उन्होंने पेन छोड़ दिया और वहां से चुपचाप निकल गए। गुरुदत्त साहब की बात चली है तो उन्हीं की फिल्म का ये गीत सुनाता हूं। बहुत अच्छा गीत है, फिल्म है मिस्टर एंड मिसेस 55। बड़ा प्यारा सॉन्ग है, उधर तुम हसी हो इधर दिल जवां है, ये रंगीन रातों की एक दास्तां है। स्वागत है आपका इस सेगमेंट में जिसका नाम है तुमने पुकारा हम चले आए, जिसमें एक नंबर है हमारा 02239927927 पर लोग हमें फ़ोन करते हैं, हमसे बातचीत करते हैं, फरमाइश करते हैं, उनकी फरमाइश पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो मेंटली प्रिपेयर्ड हों आपके, हमसे क्या बात करना चाहते हैं, जो भी आपके मन में हो। 92.7 बिग FM का ये कार्यक्रम पूरे हिंदुस्तान में आता, पूरे हिंदुस्तान के लोग सुन रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग जानना चाहते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं संगीत के बारे में, देश के बारे में, कला के बारे में। अपनी फरमाइश के गाने भी तैयार रखिए। तो आइए देखते हैं कि कौन फ़ोन कर रहा है। हेलो, नमस्कार, अनु कपूर बोल रहा हूँ मैं 92.7 बिग FM से। अपना परिचय दें आप। नाम है मेरा और इलाहाबाद से बोल रही हूँ। शो जो मैं काफी टाइम से सुन रही हूँ, काफी इंफॉर्मेटिव है जी। और हम लोग प्रेजेंटली इलाहाबाद में है क्योंकि हस्बैंड आर्मी में है और ट्रांसफर होता रहता है जी। तो जो 92.7 है वो मेरा फेवरेट चैनल है। बहुत अच्छे और बहुत पुराने गाने आते हैं जो पास्ट टाइम मेमोरी से हमको जुड़े रहते हैं। जी जी। तो प्रतिभा जी, आप कब से रह रही हैं इलाहाबाद में? मुझे 5 साल हो गए रहते हुए। तो परिवार में बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है। वाह वाह। नाम क्या है, आप जरा श्रोताओं के साथ शेयर करें, बहुत अच्छा रहेगा। बेटे का नाम लक्ष्य है और बेटी का नाम नित्या है, एंड बोथ ऑफ देम आर वेरी फॉन्ड ऑफ ओल्ड सॉन्ग्स। नई जनरेशन पुराने गाने सुनना कम पसंद करती है जी। तो दोनों को हमारी तरफ से ढेरों आशीर्वाद। और प्रतिभा जी, कोई गीत आपके मन में हृदय में आ रहा है जो आप सुनना चाहती हैं तो हम आपकी फरमाइश अभी रेडियो पर सुना देंगे। इतना ना मुझसे तो प्यार बढ़ा। अरे वाह वाह वाह, सलिल चौधरी की कंपोजिशन है ये छाया फिल्म का गीत है इतना ना मुझसे, ये तलत महमूद के साथ लता मंगेशकर ने गाया है। तो प्रतिभा जी, आपका ये जो चयन है बहुत ही अच्छा है, आपकी फरमाइश मैं सबको सुनाने जा रहा हूं। पेश खिदमत है वो सेगमेंट जिसका नाम है दिल ने फिर याद किया। आज दिल याद करेगा एक ऐसे हीरो को जिसने अपने करियर के पीक पर पहुंचकर फिल्मों से संन्यास ले लिया, और उस हीरो का नाम है विनोद खन्ना। विनोद खन्ना का जन्म 6 अक्टूबर 1946 को पेशावर में हुआ था। पिता किशन चंद्र खन्ना का टेक्सटाइल और केमिकल का बिजनेस था, माताजी कमला खन्ना हाउसवाइफ थी। विनोद खन्ना के अलावा परिवार में एक भाई प्रमोद खन्ना और 3 बहनें हुआ करती थी, नीना, बीना और पूनम। इनकी शुरुआती पढ़ाई बॉम्बे के क्वींस मैरी स्कूल से और सेंट जेवियर हाई स्कूल से हुई। आगे की पढ़ाई देवलाली के बांज स्कूल में और बीकॉम सिडनम कॉलेज से
कंप्लीट किया। कॉलेज के टाइम से ही थिएटर करते हुए इन्होंने मन बना लिया था कि आगे भी लाइफ में एक्टिंग का ही काम करना है। लेकिन पिता विनोद खन्ना के इस फैसले के सख्त खिलाफ थे और चाहते थे कि बेटा घर का बिजनेस संभाले। लेकिन बेटा विनोद जिद पर अड़ गया। विनोद की जिद पर पिता ने एक बार बंदूक ही तान दी बेटे विनोद पर। मां के बीच बचाव के बाद आखिर विनोद को पिता ने 2 साल का वक्त दिया। किस्मत विनोद खन्ना के साथ थी। विनोद खन्ना की मुलाकात हुई एक पार्टी में सुनील दत्त से, जो अपने भाई को लेकर एक फिल्म बनाने जा रहे थे, और सुनील दत्त ने बाद में विलन के लिए विनोद खन्ना को साइन कर लिया। इस तरह फिल्म मन का मीत से विनोद खन्ना के करियर की शुरुआत हुई। शुरुआती दौर में विनोद खन्ना ने आन मिलो सजना, पूरब और पश्चिम, मेरा गांव मेरा देश जैसी फिल्मों में सपोर्टिंग और विलन के रोल्स किए। सोलो हीरो के तौर पर उनकी पहली फिल्म रही 1971 की हम तुम और वो। इसी साल आई गुलजार की फिल्म मेरे अपने से विनोद खन्ना की अच्छी पहचान बनी। आगे विनोद खन्ना ने अचानक इनकार, कच्चे धागे, हाथ की सफाई, कैद और हेरा फेरी जैसी फिल्में देने के बाद अचानक दिसंबर 1975 में संन्यास की घोषणा कर दी। विनोद खन्ना ओशो रजनीश के पुणे और फिर अमेरिका स्थित आश्रम चले गए। 5 साल तक आश्रम में माली का काम करने के बाद फिर अचानक फिल्मों में लौट आए। इस बीच उनकी अमर अकबर एंथनी, परवरिश और मुकद्दर का सिकंदर जैसी फिल्में रिलीज हुईं। विनोद खन्ना की वापसी लहू के दो रंग, मीरा, द बर्निंग ट्रेन और कुर्बानी जैसी फिल्मों से हुई। उसके बाद से उनकी एक्टिंग का ये सिलसिला जारी है। निजी जिंदगी में विनोद खन्ना की शादी गीतांजलि से हुई, जिनसे वो कॉलेज में मिले थे। इन दोनों के 2 पुत्र हैं, राहुल और अक्षय। गीतांजलि से संबंध विच्छेद होने के बाद विनोद खन्ना ने दूसरी शादी की कविता से, जिनसे उन्हें पुत्र साक्षी और पुत्री श्रद्धा है। 1997 में उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। आज इस सेगमेंट में हमने उन्हें याद किया। वो दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, इसी तरह काम करते रहें, जनता की सेवा करते रहें, यही हमारी कामना है। अगर विनोद जी सुन रहे हो तो हमारे प्रणाम स्वीकार करें। बात करूंगा उस सेगमेंट की जिसका नाम है रिश्ता पक्का है फैमिली कनेक्शन। आज जिन 2 फिल्म सेलिब्रिटीज के रिश्ते के बारे में बताऊंगा वो 2 नाम हैं, काजोल और देवेन वर्मा। तो देखिए क्या फैमिली कनेक्शन है। काजोल के पिता सोमू मुखर्जी, सोमू मुखर्जी के पिता शशधर मुखर्जी, शशधर मुखर्जी की पत्नी सती देवी, सती देवी के भाई अशोक कुमार, अशोक कुमार की बड़ी बेटी रूपा गांगुली, रूपा गांगुली के पति थे देवेन वर्मा। तो ये था रिश्ता काजोल का देवेन वर्मा के साथ। इस रिश्ते को नाम क्या देना है ये आप डिसाइड कीजिए। आज दिल्ली NCR से सविता भाभी के बिहाव पर उनके देवर रसिक बिहारी ने पूछा है कि ये जो फिल्मों में काम करने वाले हीरो और हीरोइन के रोमांस की खबरें सुनने को मिलती हैं, सच होती हैं या सिर्फ फिल्म की पब्लिसिटी के लिए ऐसा किया जाता है। सविता भाभी के देवर रसिक बिहारी जी, बताना चाहूंगा कि दोनों ही बातें चलती हैं। कई बार महीनों तक साथ काम करते हुए, फिल्मों में रोमांस करते हुए हीरो हीरोइन सचमुच करीब आ जाते हैं, एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, प्यार मोहब्बत हो जाती है। कई एग्जाम्पल हैं, आप जानते हैं, दिलीप कुमार मधुबाला, देवानंद सुरैया, शत्रुघ्न सिन्हा, पूनम सिन्हा, रीना रॉय, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, सैफ, करीना। इसके अलावा और भी कई कपल रहे हैं। और ये भी सच है कि आजकल फिल्मों को प्रमोट करने के लिए, प्रमोशन के लिए भी हीरो हीरोइन के अफेयर की पब्लिसिटी की जाती है, जानबूझ के बात मार्केट में डाल दी जाती है, चर्चा छेड़ दी जाती है, और ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी का हिस्सा होता है। और दूसरी बात ये भी है कि अब जहां आग और घी साथ साथ होंगे तो कहीं ना कहीं तो जलना होगा ही ना, समझ रहे ना। मुझे अच्छा लगा, उम्मीद करता हूं कि आप हमारे जवाब से संतुष्ट होंगे। मेहरबान दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर आपसे भेंट होगी इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अनु कपूर।
आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर ये कार्यक्रम। मेरे प्रणाम स्वीकार करें, चलता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।